तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आर के टेक्निकल। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस प्रकार से टेराबॉक्स में आने वाले एड्स को परमानेंटली बंद कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्या होता है जब भी आप टेराबॉक्स की वो वीडियो प्ले करना चाहते हैं उसी टाइम दोस्तों आपको बहुत सारी ढेर सारी एड्स देखने को मिल जाती है, पॉपअप एड्स। आप वीडियो को प्ले करेंगे, क्लिक करेंगे तब एड्स कभी आपको गूगल प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट कर देगा या फिर किसी ब्राउजर में रिडायरेक्ट कर देगा, अनेक सारी वेबसाइट में दोस्तों आपको रिडायरेक्ट करता जाता है। बहुत सारी एड्स दोस्तों टेराबॉक्स में आपको वीडियो को प्ले करते वक्त आपको देखने को मिलती है। इसको दोस्तों आप इन 2024 बहुत ही इजी स्टेप से ब्लॉक कर सकते हैं परमानेंटली। जी हाँ दोस्तों, एक बार बस आपको इस सेटिंग्स को अप्लाई करना है, देन दोस्तों आपके टेराबॉक्स में कोई भी एड्स शो नहीं होगी। तो बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला दोस्तों, इन 2024 का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल के लिए अपना डिवाइस चेक करके आपको दिखा दिया कितनी सारी एड्स मेरे को एक वीडियो को प्ले करते वक्त सामने आई। तो अब दोस्तों सिंपली से आपको डिवाइस की सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको चले आना है अपना जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है नेटवर्क का। जी दोस्तों, कनेक्शन या नेटवर्क आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपके एंड्रॉइड डिवाइस में, या फिर आप सर्च बॉक्स पर डालकर प्राइवेट DNS सर्च करेंगे दोस्तों आपको प्राइवेट DNS का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, सिंपली से यहां पर से मैं सर्च कर लेता हूं प्राइवेट DNS। आपको भी दोस्तों सर्च बॉक्स पे यहां पर कुछ इस प्रकार से सर्च कर लेना है, अदरवाइज दोस्तों आपको नेटवर्क कनेक्शन वाले ऑप्शन में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली से दोस्तों प्राइवेट DNS पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों प्राइवेट DNS का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम का। जी हां दोस्तों, उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर से आपको नया DNS ऐड करना है, वो DNS है दोस्तों हमारा dns.adguard.com। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या यहां पर मैंने एक कमांड डाली है, कोई स्पेलिंग आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आपको कुछ इस प्रकार से ये जो DNS है यही DNS आपको अपने डिवाइस में डाल देनी है, देन सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों आपका प्राइवेट DNS कुछ इस प्रकार से dns.adguard.com के नाम से सेव हो जाएगा। जी हां दोस्तों, सिंपली से आपको सिंपली से यही बस काम करना है, देन यहां पर से इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद दोस्तों यहां पर से हो चुका आपका काम कंप्लीट। अब दोस्तों सिंपली से आपको प्ले स्टोर को कर लेना है ओपन। प्ले स्टोर की दोस्तों आपको चले जानी है ऐप इन्फो पे। ऐप इन्फो पे आने के बाद दोस्तों अगर आपका यहां पर से डिसेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो यहां पर से आपको उसको डिसेबल कर लेना है जब भी दोस्तों आप टेराबॉक्स की वीडियो को प्ले करना चाहते हैं। क्या होता है दोस्तों, जब भी आप वीडियो को प्ले करेंगे आपको ये गूगल प्ले स्टोर में रीडायरेक्ट करेगा। उससे बचने के लिए दोस्तों आप प्ले स्टोर को कुछ समय के लिए डिसेबल कर सकते हैं, बाद में फिर एनेबल कर लीजिए वीडियो पूरी तरीके से देखने के बाद। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों अब मैंने वो प्राइवेट DNS वाला ऑप्शन पूरी तरीके से एनेबल कर रखा है। अब मैं दोस्तों आपके सामने इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, मेरे को दोस्तों एक भी एड शो नहीं होने वाली है, मेरा डायरेक्टली वीडियो प्ले हो जाने वाली दोस्तों। सिंपली से मैंने लिंक पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से मैं सिंपली से इसको स्किप कर देता हूँ। मेरे को दोस्तों अभी तक कोई पॉपअप एड यहाँ पर अभी तक शो नहीं हुआ है। हमारा जो वीडियो है दोस्तों ये देखिए सक्सेसफुल यहाँ पर से लोड भी हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ईजी स्टेप्स से आप अपने किसी भी टेराबॉक्स में कोई भी वीडियो प्ले करना चाहते हैं विदाउट एड, तो ये मेथड ट्राई करिए इन 2024। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।